नमस्कार, मैं चंदन स्वप्निल और आप देख रहे हैं कृषि हेल्पलाइन चैनल। सुखबीर ढांडा पिछले 15 साल से डेयरी के धंधे से जुड़े हुए हैं और इनके पास मुर्रा नस्ल की भैंसे हैं। मुर्रा नस्ल जिसकी डिमांड बहुत है। मुर्रा नस्ल के बारे में आइए और बात करते हैं सुखबीर ढांडा जी। सुखबीर ढांडा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपका स्वागत है यहाँ पे पहुँचने पे मेरे गाँव में। कैसे आना हुआ इस बिजनेस में, मतलब पुश्तैनी था या फिर? पुश्तैनी तो जी पहले घर पे पशु रखा करते बहुत अच्छे जी, कम भाव की खरीद के घर पे तैयार करके सेल करया करते पशु पहले जी। और उसके बाद एक गाय ली थी 2008 में जी, वो शो में लेके गए थे, उसने पहला नंबर किया था। पहले ही शो में जाने के बाद पहला नंबर कर दिया। कहां लेके गए थे, किस शो? वो इशार लग गया था जी, हरियाणा गवर्नमेंट का शो। अच्छा जी। हाँ, तो साहिवाल नस्ल की गाय थी, उसने पहला नंबर कर दिया था। किस चीज उसको पहला नंबर? ड्यूटी में जी, मिल्क ड्यूटी में। अच्छा जी। तो उसमें वहाँ पे देखा कि भाई पशुओं में क्या चीज, देखो जिसको शौक होगा जो पशु खरीदया करता, जैसे चले आप सेल परचेज का भी थोड़ा बहुत कर लेते थे जी। तो भाई किस क्वालिटी का पशु मांगा है ब्यूटी के लिए, तो फिर धीरे धीरे उसमें ब्यूटी के पशु अपन लेके भी आया करते, तो अपन रखने चालू कर दिए कि भाई ये पशु अपने ब्यूटी के शो में लगाना है। तो उसमें जैसे अपने फिर ब्यूटी का शो भैंसों का भी लगाना शुरू कर दिया। तो भैंसों का आइडिया कैसे आया आपको? नहीं, आइडिया तो जी बंदे को देखने पे ही आएगा, चाहे कोई भी है। अगर आप जब तक प्रैक्टिकल नहीं करांगे कोई चीज देख के या उसको समझेंगे सीखेंगे, जब भी जाके आप शो के लिए पशु तैयार कर सका। हाँ, तो उसमें आपने पहली भैंस जैसे गाय तो वो लगी थी साहिवाल की, पहली भैंस गंगा तैयार की थी 2011 में। ये गंगा है जी, ये 2011-12 से ही शो दिखती आ रही है जी। 2014 में ये मुक्सर में चैंपियन बनी थी, मुआदी चपड़चिड़ी में, मेरठ, अपना करनाला, NDRI, हरियाणा गवर्नमेंट की बहुत से शो दी थी और इनकम भी बहुत थी। किस नस्ल की? ये मुर्रा नस्ल की, गंगा नाम से बहुत फेमस हुई। आज वो 10वीं बार उसने बच्चा देना था। अच्छा। तो ये देखो उसकी उम्र को आप अगर आप कैमरे में देखोगे तो वो ऐसे लगेगी जैसे दूसरे तीसरे में आपकी भैंस है, उसकी बॉडी ऐसे है। पशु रख रखा बहुत शानदार। नहीं, रख रखाव जी उसने अपने को बहुत दिया है। वो हरियाणा में भी चैंपियन बनी और पंजाब में भी चैंपियन बनी। तो उसने उस टाइम पे लाखों रुपए की इनकम अपने को दी, जैसे मुक्सर के शो में 51,000, अपने मोहाली में 1,00,000, हरियाणा गवर्नमेंट ने भी 1,50,000 रुपए उसको दिए। तो ऐसे करके उसने बहुत शो जीते और अपने वो पैसे आगे चल के उनका घूमता रहा सिस्टम। जैसे तो एक तोड़ के पशु पे मेहनत करा, एक अच्छी क्वालिटी के पशु पे मेहनत करके शो में नाम भी कमाए, दो पैसे इनकम भी हो और साथ ही साथ उसके काम भी सेल होने लगे। तो उस भैंस ने अपने को ज्यादा कमाई करके दी और आज वो पैसा अपने आगे काम आए। और भैंसे खरीदी फिर? नहीं, खरीदी तो मैं रूटीन में सेल परचेज का साथ के साथ करता रहता था जी। फील्ड में घूमे जाया करते, तो कोई अच्छा पशु मिल गया तो वो ले लेते। शुरू से ही शौक था अच्छे पशु का जी। अगर सेल के लिए भी खरीदा तो एक ऐसा डेयरी का सिस्टम बना दिया कि भाई अच्छा पशु उधर मिल जाएगा आपको जी। हाँ, इस वक्त आपके पास कितनी भैंसे हैं? अभी मेरे पास 5 भैंसे है जी, 2 मैंने सेल कर दी परसों ही गई हैं जी, और एक कटड़ी सेल कर दी, छोटे वाली थी जो अच्छे पैसे में अपने कटड़ी बच्चे भी सेल हो जाए हैं जी। और बुल थे मेरे पास, लाडला है, चैंपियन गंगा, जिनका मैं सीमन का भी साथ के साथ करता हूँ जी। और कल वो उनको भी लेने आएंगे, वो भी मैंने सेल कर दी। कितना प्रॉफिट हो जाता है एक भैंस पर? नहीं, भैंस में ऐसा है जी, प्रॉफिट देखो प्रॉफिट भी होता है, थोड़ा बहुत घाटा भी होता है खरीदने वाले को। घाटा कैसे? कोई पशु खरीद के ले आए, भाई ताजा ब्याह है, उसमें कोई थन में प्रॉब्लम होगी या वो अच्छे दूध पे नहीं चलिया जी। देखो सोच के सभी आइडिया लगा लिया, आप एक 20 किलो दूध की भैंस आपने खरीदनी है, भाई ताजा ब्याही है, आपने वो 20 किलो की मान के खरीद ली, वो रहेगी 14-15 किलो पे, आपने पेमेंट कर दी उसको 20 किलो वाली लगा दी, तो उसमें घाटा ही लगेगा जी। अगर कोई इस धंधे में आना चाहता है तो ये डेयरी का धंधा उसके लिए फायदेमंद कैसे हो सकता है, हमें ये विस्तार से समझाइए। फायदेमंद तो जी ऐसे है, दूध के रेट कम हैं, फीड के रेट अच्छे हैं, उसमें फायदेमंद तो आप ऐसे बना सकेंगे भाई अच्छे दूध वाले पशु खरीदा जी। जिस भी भाई को नया डेयरी फार्म या किसी को भी खरीदना है तो वो अपना पशु खुद जाकर खरीदे, जांच परख कर, किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े। दलालों का सिस्टम सा थोड़ा अलग सा हुआ है जी। भाई अपना 2-3 टाइम दूध निकाले, भाई इस पशुधन में 14 दूध है, 15 है, 16 है, 18 है, वो चाहे आपके आगे 2 किलो कम दे दे, लेकिन अपने को ये संतुष्टि रहेगी कि भाई ये दूध 18 किलो दूध हमने उस डेयरी फार्म में तोलिया था,
भाई अपना पशु 18 किलो का है, अब की बार नहीं तो अगले ब्यांक जरूर देगा। तो हम जब भी पशु खरीदने जाए तो हमें किस बात का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्या देख परख के, आंखें खोल के, दिमाग खोल के, कैसे क्या जांच परख करनी चाहिए, वो हमें बताइए भाई जी। देखो पशु लेने जाए हैं तो जब वो तो अपना अपना बजट हो है, देखो एक बंदे को 1,00,000 रुपए की भैंस खरीदनी है, अगर वो 1,50,000 रुपए वाली को हाथ लगाएगा तो ना तो किसान देगा ना ही कोई डेयरी फार्म वाला देगा, वो तो अपने बजट के हिसाब से ही क्वालिटी देखी जाएगी पशु की, भाई ये कैसे सींग का है, कितनी हाइट है, कैसा इसका आर्डर है, भाई कितना दूध है जी। वैसे एक बात का जरूर ध्यान रखें कि भाई अगर पशु अपने खरीदना है तो उसमें दूध का जरूर ध्यान रखें, भाई अगले ने 15 किलो बोला है अपना चाहे कंडा साथ में रखना हो जी। लीटर पे ना विश्वास करें तो कंडा अपना साथ में रखें, भाई इस पे 15 किलो तोल के आप मेरे को 1,00,000 रुपए की दे रहे हो, 1.5 की 1.25 की जो भी दे रहे हैं, रेट तो मालिक का है, आप अपना दूध तोल के ले सकते हैं। यानी अगर हम दूध तोल के ले तो पानी का पानी और दूध का दूध साफ हो जाए। हाँ जी, और नए फार्मर के लिए ये होगा कि भाई 16-17 किलो दूध की भैंस तो जब जरूर खरीदे, क्योंकि 10-12 वाली आप खरीदेंगे तो 2 किलो तो बच्चा ही पी जाएगा उसमें, तो 10 किलो में आप प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। और निशानी क्या देखनी चाहिए नए पशु में लेने वक्त, निशानियां क्या होनी? प्रैक्टिकल ही निशानी है कि भाई दूध वाला अच्छा है तो उसमें दूध देखा जाएगा, भाई अडर में कोई ये ना होगी भाई टेढ़ापन हो, बे चुआई नरम हो, बे जैसे कोई टाइट चुआई की ले ली तो अपना टाइम उसमें भी, जैसे एक भैंस की अपना चुआई 5 मिनट में कर रहे हैं तो उसमें 10-15 मिनट अपनी खराब होंगी, तो काफ है जो अच्छी क्वालिटी का नीचे हो, जैसे कोई माथे फूल ना हो, पूंछ ज्यादा सफेद ना हो, काफ भी तो अपने आगे तैयार करना है, चाहे वो कटड़ा है चाहे वो कटड़ी है, वो भी अपने एक ब्रीडिंग पर्पज में आगे काम आएगा। जैसे कोई पशु बीमार हो सकता है तो उसका कैसे देखना होता है? बीमार का तो जी अपने आप पता लग जाएगा, जो अगर कोई बीमार होगा, कोई 20 किलो 18 किलो वाला पशु है तो वो इतना दूध नहीं दे पाएगा, जो अगले मालिक ने बोल दिया भाई मैंने तेरे साथ सौदा कर लिया 1,25,000 रुपए में, अगर उसमें दूध है 18 किलो, बीमार का तो अपने आप पता चल जाएगा जी। और वो खाने पीने का भी सिस्टम देख ले, देखो 2 टाइम अगले के घर पे रहो भाई, ये खा पी ठीक से रहा है या आदमी क्या खुराक डाल रहा है, तो साथ में पता चल जाएगा। इसमें एक चीज और सुनने में आई है कि जब हम पशु खरीदने जाते हैं तो हम उसके सींग, उसके पीछे की बनावट, आगे की बनावट ये भी देखते हैं, ये कहाँ तक सही है? देखो सही तो क्या है जी, भैंस के नीचे बढ़िया हार्ड रहो और बढ़िया दूध का बाल्टा ठोक दे, वो उसमें सारी क्वालिटी कवर हो जाए जी, क्योंकि एक बंदे को दूध भी सेल करना है और ब्रीडिंग भी है, तो उसमें नीचे काप सही हो, मानो वो तो अपनी अपनी पसंद हो है, जैसे पंजाब में मुर्रा पे भी काम करे है और नीली रावी पे भी है, वो तो बंदे की अपनी पसंद है, किसी को माथे फूल लेने वाली भी पसंद आ रही है और किसी को मुर्रा भी पसंद है। नस्ल की जो भैंस है वो 2 टाइम में कितना दूध दे देती है जी? अपने तो 33 किलो 131 ग्राम तक दिया है सबसे ऊपर मेरे। इसलिए आपने पुरस्कार भी जीता था? हाँ पुरस्कार। तो क्या था जरा उसके बारे में बताइए, कहाँ पे आपने ये जीता? पुरस्कार तो ऐसे जी, पहली चुआई करवाई अपने उसकी मुर्रा एसोसिएशन में, जो हरियाणा की एक संस्था है, उसमें 33 किलो 131 ग्राम दूध निकाला जी। मैंने CIRB में भी उसकी रिकॉर्डिंग करवाई, यहाँ से घर से ले जाके CIRB के अंदर भी रिकॉर्डिंग करवाई जी। उसकी HLDB हरियाणा गवर्नमेंट की जो अपना है संस्था, उसमें भी उसकी रिकॉर्डिंग हुई और उसकी अपने PDF के जगराओं में भी रिकॉर्डिंग हुई थी जी। वहाँ पर उसने 32 किलो 66 ग्राम दूध देके, जैसा मेरे को PDF के द्वारा बताया गया कि भाई उसने जो पाकिस्तान की भैंस थी उस टाइम पे उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया था। अच्छा। हाँ जी, अब हम बात करते हैं कि एक आदमी जो मुर्रा नस्ल की भैंस खरीदने गया, खरीद लिया, हाँ जी, एक पशु पे महीने का कितना खर्च आ जाता है? पशु का खर्च खाने पीने पे देखो जी वो आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें फिर उसमें ड्राई टाइम का भी फिर आइडिया लगाना पड़ेगा, तो ड्राई टाइम पे आप उसका जैसे कुछ नहीं डाल रहे यहाँ पर ड्राई टाइम में, या हरा चारा ही डाल रहे हैं, जैसे आप गांव में रहो हैं तो गांव में ऐसा है कि भाई जैसे खेती बाड़ी के साथ साथ अपने हरा चारा उसको हम फ्री का भी बोल यहाँ पे, और नहीं ये भी सोच लें कि भाई आपने इतने खेत किले में ज्वार बीजनी ही बीजनी, तो उसका आइडिया ज्यादा लगा नहीं सकते, क्योंकि फीड फीड का आइडिया लगा सका। और जब पशु गर्भवती हो तो तब उसका कैसे क्या ध्यान रखा चाहिए? गर्भवती में ऐसा है जी, आप अपने पशु को फीड दूध देते ही टाइम पूरा डाल देते हैं और पशु अपने हेल्दी रहे हैं, जिस भाई के कमजोर रहे वो रूटीन में थोड़ा थोड़ा फीड डाल सके है, ज्यादा है भी पशु कभी ज्यादा दूध नहीं देता। सुखबीर जी, हमारे किसान भाइयों बहनों को आप क्या सलाह देना चाहिए? सलाह तो ये है जी, जो भाई नया पशु खरीदना चाहे या ब्रीडिंग पे काम करना चाहे, वो 16-17-18 किलो दूध की भैंस जरूर खरीदे, और ये ना हो कि भाई ज्यादा लेवर पे ही आधारित हो, अगर लेवर वाला तो फिर सिस्टम थोड़ा अलग सा हो जाए, अगर आप 5-7 भैंस रखनी है, खुद
केयर करेंगे उसमें आधे खर्चे से आप अपने पशु को रख सकते हैं। तो सुखबीर जी, भैंसों ने कितने कॉम्पिटिशन अवार्ड जीते हैं? हाँ जी, तो हर एक बंदे की, हर एक पशुपालक की चाह होती है कि मेरा भी पशु इनाम जीते। हाँ जी, तो उसको आप किस तरीके से तैयार करते हैं? जो पहले, जैसे पहले हफ्ते की बात कर लें, जब कंपटीशन आता है, जैसे पीडीएफ ए आया, तो एक हफ्ता पहले आप तैयारी शुरू कर देते हैं, तो किस तरीके से तैयारी शुरू करते हैं, कितने पहले तैयारी शुरू करते हैं? नहीं, तो वो थोड़ा, तो जी सारी साल ही चल पड़ी एक सोच अच्छा, सकते हैं आपा, क्योंकि जो पशु आपने मिलक के कंपटीशन के लिए तैयार करना, जो दूध चुवाई में लगाना है, उसकी तो सोच लो सारी साल की ही तैयारी लगेगी। जो ब्यूटी के लिए कंपटीशन लगाना, उसमें एक दिन की मेहनत ही लगेगी। वैसे तैयार शरीर से हेल्दी करेंगे, लेकिन उसमें तो एक दो दिन की मेहनत ही लगेगी, चाहे ड्राई है चाहे ब्यूटी का। तो वो क्या है वो बताइए आप, एक दिन में क्या मतलब क्या करते हैं? जैसे उसकी जी सेविंग शामिंग होगी जो ब्यूटी वाले की है भैंसों में, ठीक है, वे उसकी अच्छी तरह से मालिश मुलिश होगी, या उसमें अडर में थोड़ा जोश भरने के लिए भाई 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पहले उसकी चुवाई कर ले, तो उसमें अडर में जोश आएगा, उसी के नंबर डॉक्टर साहब के द्वारा दिए जाएंगे जो अपने जज हैं। यानी कि ये तो होगी एक दिन की तैयारी। हाँ जी, बाकी आप सारा साल अपने पशु पर तैयारी करते हैं ताकि आप वो कंपटीशन जीत सके। सारा साल वाली दूध वाली ऐसे है जी, जैसे दूध देते हुए उसकी चराई फुल चल रही है, अपनी तरफ से अपन जैसे ड्राई टाइम में ऐसे नहीं करते कि चराई ज्यादा जी उसके लीवर पे फैट ना जमा हो जाए एक्स्ट्रा। लीवर पे अगर पशु के फैट होगी तो वो खाना भी कम खाएगा और दूध भी मेरे हिसाब से कम देगा जी। तो अपन उसको जैसे फीड में एक महीने जब ब्याने का रह गया उसको थोड़ा थोड़ा फीड चालू कर देते हैं, और साथ में कोई प्रोडक्ट है जैसे कोई एच का प्रोडक्ट है या कोई भी लीवर टोनिक है, उसका लीवर मजबूत रहे ब्याने के बाद भी, तो वो चीजें चालू कर दें एक महीना पहले। उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आएगी, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।